अगर जो गल की जाए साढ़े नाल हुण जगतार सिंह जी ने जो कि श्री पटना साहिब तो चलते हैं तो वक् वक् थावां ते जाके यात्रा कर रहे हैं साइकिल दे उत्ते ता ये दिन रात नहीं देखते दे, हुण मोर्चे दे विच पहुंचे ने हाजी लवाउण लई 13,000 किलोमीटर का गुरु साहब का पिंड है जी, जिसे मैं 4,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है जी, तो 9,000 मेरा बाकी है जी। की लगता है जो लगातार संगत दूर दराडे तो पहुँच रही है, सरकार इंसाफ नहीं दिंदियां तां करके मोर्चे लाने पैंदे ने? हरेक सिख नूं आपदे फर्ज समझ के अपना भरा जां अपना माँ प्यो समझ के उन्हां नूं जेलां दे विच अपने लई उह जेलां 'च बैठे है ते उह पहुंचण तां ही इह हल होणा जी। की लगता कितने त्रासदी लगती है कौम क्यों नहीं इकट्ठी होंगी, क्यों नहीं एक थान आके एक मंच से इंसाफ मांगती? पंजाबी लोग चैनल के नाल तुसी जुड़े हुए हो, मैं तुहाडे नाल जगसीर सिंह। कौमी इंसाफ मोर्चा लगातार चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर से निरंतर जारी है, अज 9 तरीक हो चुकी है। तो उत्थी अगर जो गल की जाए संगत दूर दराडे तो मोर्चे के हिस्सा पाने पहुँच रही है, अगर जो गल की जाए साढ़े नाल हुण जगतार सिंह जी ने जो कि श्री पटना साहिब तो चलते हैं तो वक् वक् थावां ते जाके यात्रा कर रहे हैं साइकिल दे उत्ते, ता ये दिन रात नहीं देखते दे, हुण मोर्चे दे विच पहुंचे ने हाजी लवाउण लई। ते इन्हां दे कोल जिहड़ा एक बार मैं साइकिल दिखा देवां, इधर दी टेंट भी जिहड़ा उत्ते पिया होया, सारे कपड़े पए हुए ने, साइकिल दे नाल जिन्नी भी अगर जे चीज़ की जरूरत पैंदी है पंप हवा भरन वाला वह भी सारा कुछ मतलब इस दे विच मौजूद है। तो यह जिथे इन्हां नूं लगदा रात डेरा लाउणा उत्थे डेरा ला लैंदे ने, तो लगातार ये गुरु गोबिंद सिंह जी के जिहड़े मार्ग ने उन्होंने उत्ते यात्रा कर रहे हैं। पटना साहब तो चले सी तो इन्हां दे नाल गलबात करदे आं, साइकिल दे उत्ते यात्रा करदे ने तो हुण मोर्चे दे विच पहुंचे ने। जगतार सिंह जी तुसीं लगातार जिहड़ा मोर्चा फतेह कर रहे हो, वक् वक् थावां ते जा रहे हो, दर्शन कर रहे हो, तो अज इत्थे पहुंचे हो, तो इत्थे आके की सब तो पहला फील किया, तो की तुहानूं लग्या इत्थे मोर्चे दे विच जाना चाहिए क्योंकि लगातार पंथक मुद्दे ने वक् वक् थावां ते सिख जथेबंदियां चुकदियां नजर आउंदियां ने? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। जिहड़ा यही मेरी यात्रा चल रही है वो चीज़ अड्ड है, पर जिहड़े ही कौमी मसला जिहड़ा चली जांदा ये सब तो उत्ते है, सब तो उत्ते, इस तो उत्ते कुछ भी नहीं है। जिहड़े साडे लई जिन्हां ने आपदा सारा कुछ कैरियर छड के जिहड़े गुरु दे लड़ लग के इन्ने इन्ने समय तो जेलां 'च बैठे है उन्हां दे लई मैं जिहड़ा आपदा मतलब किरा जिहड़ा यात्रा रोक के इत्थे पहुंचे जी, दर्शन करने लई जिहड़ी इत्थे संगत पहुंची, जो कौमी संघर्ष दे योधे इत्थे मतलब जिहड़े जेल दे विच हन जां उन्हां छुड़ाउण दे लई इत्थे जिहड़े जिहड़े जंग कर रहे उह वी योधे है जी, उन्हां नूं दर्शन करन दे लई इत्थे पहुंचे जी। की लगदा है तुसीं वक् वक् हुण तुसीं कित्थे सी तां उस तों बाद तुसीं इत्थे मोर्चे बारे सुणिया ते फिर इत्थे पहुंचे, किहड़ी थां ते किहड़े स्थान ते चले सी तुसीं? मैं जी गुरु गोबिंद सिंह जीवन मार्ग के उपर साइकिल यात्रा कर रहा जी, पटना साहब तो लैके जिथे जिथे गुरु महाराज दसवें पातशाह के चरण छो स्थान है जी, करीबन 200 तो प्लस गुरु घर जिथे दसवें पातशाह चरण छो है जी। 13,000 किलोमीटर का गुरु साहब का पिंड है जी, जिसे मैं 4,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है जी, तो 9,000 मेरा बाकी है जी, तो इस दे लिए मैं चलिया हुआ जी। तो जिहड़ा मतलब रास्ते जो मैं हुण भंगाली भंगाणी का जंग वाला जिहड़ा रूट मैं कंप्लीट करके इत्थे पहुंचा जी, तो हुण जिहड़ा रूट है अगला जिहड़ा सीगा मतलब हिमाचल का सीगा जी, उत्थे जाना सी मैं, पर हुण इत्थे ला के आया मैं, तो सोचा भी इत्थे हुण भी इत्थे भी हाजरी भरनी जरूरी है जी। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਰ ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧਾ ਰੋਪੜ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਲਈ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਉੱਧਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜੀ ਤੇਰੇ
किसानी ज मतलब कह सकते हो जी शहीदी जोड़ मेला, शहीदी जोड़ मेले च भी संगत वापस गई सी, उ संगत ने हुण वापस आना है, संगत उ है तो इस करके ही संगत ने जुड़ जाना है। तो इस तरीके दे नाल बहुत वधिया मिलना जी, मतलब जी संगत दे कठ दे नाल ही जिवें मतलब जोड़ वजूगा उस तरीके दे सारा कुछ होना है। जिवें तमिलनाडु वाले अपना छड़ा के लै गए से राजीव गांधी का कातल, तो अपने सिंह भी इदा ही बहर आवगे, पर जिहड़े हरेक सिख नूं आपदे फर्ज समझ के अपना भरा जां अपना माँ प्यो समझ के उन्हां नूं जेलां दे विच अपने लई उह जेलां च बैठे है तो वह पहुँचण तां ही इह हल होना है जी। की लगता है सिख कौम दे विच त्रासदी बड़ी आई हुई है, वख वख थां ते मोर्चे लगते हैं, पर जे ये मोर्चा लग्या होया कौमी इंसाफ मोर्चा है, पहला भी बड़े मोर्चे लगे सी, बरगाड़ी लग्या रहा तो उसनू चक लिया गया, फिर सुखराज बह गए काफ़ी समा हुण बैठे हुए ने लगातार इंसाफ मंग रहे हैं। की लगता है कित्थे त्रासदी लगती है, कौम क्यों नहीं इकट्ठी होंगी, क्यों नहीं एक थान आके एक मंच से इंसाफ मंगती? ये ज़्यादातर प्रधानकियां के चक्कर च ही फिरते हैं, मतलब वो हरेक नूं लगता भी मैं प्रधान बन के ही करा, मतलब जो कुछ ना धोखे तो बहुत ज़्यादा होए, मतलब मोर्चा वेच के तुर जाते सके, मतलब जो बरगाड़ी वाला पुराना सगा उस जो चक्या गया उस तो भी लोग हताश होए हुए हैं, वो थोड़ा इन्हें तो कुछ वेट करते हैं, मतलब किन्ने दिन चलता है, वो थोड़ी रूपरेखा देखते संगत है जी, रूपरेखा देख के ही पहुँचूगी इतने, पर जरा रूपरेखा सिर ते मतलब हूँ जो पेड़ बजा है महाराज की कृपा सदका इसने बहुत वधिया सफल होना है जी। इसलिए बहुत शुक्रिया। तो भाई जगतार सिंह साढ़े नाल सी, तो यह सैकल के उत्ते यात्रा करते नज़र आते हैं, तो अक्सर इन्हां दीआं तस्वीरां देखते हैं, तो अज्ज ये हिमाचल नूं जा रहे सी कुछ समय के लिए, क्योंकि गुरु मार्ग जे दर्शन करन दे, क्योंकि जिहड़े जिहड़े राह दे उत्ते जिहड़े जिहड़े पिंड दे उत्ते महाराज गए सी उस दे उसे राह दे उत्ते दर्शन करन दी कोशिश करदे ने, तो यह देख के मोर्चे नूं इस वल जिहड़े वधन दी कोशिश कीती तां इत्थे पहुँच गए ने, तो इत्थे आ के संगत दे नाल बैठ के बाणी विसरवन करते हैं, सारा कुछ माहौल देख रहे हैं, तो यह भी कहते नज़र आ रहे हैं जिहड़े पहला मोर्चे लग रहे थे, कई अजिहे लोग निकले प्रधानगियां दे लई, प्रधानगियां लई हुण भी कई आ जाते हैं, पर असल दे विच सिख कौम नूं इत्थे इकट्ठा होना चाहिए, जिवें किसानी अंदोलन जितया उस तरह इत्थे बैठ के जो कि पंथक मुद्दे हल करवाए जाएंगे। विचार साझा करो कैमरा सहयोग दे सी गुरप्रीत सिंह, धन्यवाद।